हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो नहीं बनाने का एक रीज़न भी था। रीज़न मेरे पास हर बार रहता है ना, बहाना देने का आदत हो गया है। तो रीज़न ऐसा है कि मैंने फ़िलहाल किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम्स की नहीं। मैं अभी एक फ़िलहाल एक शॉप डाल रहा था, तो शॉप कौन सी शॉप है, तो मैंने अभी अभी मतलब आज डेट हो रहा है 20th, मैंने एक नया शॉप ओपन किया है जिसका नाम है द बाइकर सून। वहाँ पे आपको एक्सेसरीज मिलेंगी, बुलेट की, KTM की, बजाज की, और जो भी छोटी छोटी बाइक्स हैं उसकी मिलेंगी। सुपर बाइक की अभी फ़िलहाल नहीं मिलती है, और इसी के लिए मैं लास्ट 2-3 मंथ से काफ़ी बिजी था। और काफ़ी प्लानिंग करने के बाद, इधर उधर ट्रैवल करने के बाद, फाइनली मैंने ये चीज़ को कंप्लीट किया, और इस कारण से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। कि टाइम नहीं मिल रहा था, मिलता भी लेकिन थोड़ा काम के चक्कर पर थोड़ा इधर आना जाना हो रहा था, तो ये सब चीज़ें थी। तो अभी मैं ले चलता हूँ अपना शॉप। आज छोटा सा वीडियो रहेगा ये बताने के लिए, बाकी फिर अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। कंटिन्यू इन द सेंस मतलब सप्ते पे 2-3 वीडियो, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं शॉप जाता हूँ, तो शॉप मैंने ओपन कर चुका है, मैं आप लोगों को बता रहा भूल गया। शॉप मैंने ओपन किया था 31st को, और मेरा प्लान था कि मैं अपने बर्थडे के दिन 28 जनवरी के दिन ओपन करूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, और क्योंकि थोड़ा बहुत वायरिंग का काम, ये वो काम करते करते लेट हो गया, और शॉप भी मुझे एकदम जल्दबाजी में मिला, तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी करते 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 लेकिन जल्दी नहीं हो पाया, लेट हुआ, इसलिए 31st को ओपन किया। और यही सब चीज़ था, इसलिए इतने दिन से हम गायब थे। सो आज की वीडियो में ले चलता हूँ मैं अपने शॉप, और दिखाता हूँ कि वहाँ क्या है, कैसा है, और जो मेरे शॉप का लोकेशन होगा, नेविगेशन लिंक होगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर भी मैं आपको एक लोकेशन अंदाजे से बता दे रहा हूँ कहाँ पर है। आप जब जील चर्च रोड जाओगे, जील चर्च रोड से पहले त्रिकोण चौक पड़ता है, त्रिकोण चौक से पहले राइट साइड में आप देखोगे कि हरियाणा मनभवन करके एक होटल है, तो उस होटल से 2 शॉप पहले के लिए, या तो फिर आप वहाँ पे अगल बगल क्यूटी स्टूडियो दे सकते हो, उसी लाइन पे जील चर्च जानवल रोड पे आपको मेरा शॉप मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मेरा नीचे नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं शॉप पर। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए हैं, मिस्टर दयांग शुल। तो शॉप का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ लगे हुए हैं अलॉय व्हील, और ये क्लासिक के हैं, ये इलेक्ट्रा के सनेट ये लग जाते हैं, और वो उधर लगा हुआ है एग्जॉस्ट, इधर पड़े कुछ ऑयल्स, बजाज से ऑयल है, क्योंकि मैंने सर्विस स्टार्ट कर दिया है, तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा कुछ है सीन। यहाँ पे एयर कंप्रेशन मशीन यहाँ पे लगा हुआ है, लग गार्ड ये बुलेट के लिए, ये साइलेंसर है, साइलेंसर आप कोई भी साइलेंसर लोगे, मेरे पास ये 2000 रुपीज़ का है। वो रूस्टर है जो 2200 रुपये का है, वो कॉस्टली, बाकी सब नॉर्मल है। लेग गार्ड है मेरे पास ये बुलेट का, ये पड़ेगा आपको 1500 रुपीज़ का, और बाकी सारे एग्जॉस्ट आपको पड़ेंगे अराउंड 2000 के आसपास, ठीक है। ये है यहाँ का सेक्शन, यहाँ पे लगे हुए इंडिकेटर्स, ये रनिंग इंडिकेटर्स हैं, ये है R15 में लगते हैं, लद्दाख फ्लैग है, ये है भाई इसका वाइब्रेशन रॉड, ये सब चीज़ें हैं। प्राइसिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है जो द बाइकर जोन, उस पर कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर डिटेल बता दूंगा। एग्जॉस्ट है यूनिवर्सल है, किसी में फिट हो जाएंगे। ये ड्यूक का बैंड पाइप है, ये 80 का एग्जॉस्ट है, ये R15 का क्रैश गार्ड है, Acropipe का एग्जॉस्ट है, इस पर एक छोटा भी सेफ है, वो भी अवेलेबल अपने पास। उसके बाद ये प्रोटेपर के हैंड ग्रिप्स हैं, और लीवर प्रोटेक्टर है, गियर रबड़ है। तो मैं डेट बस लाइन्स बता दे रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये फॉग लाइट है, कोई भी गाड़ी के यूनिवर्सल है, ये इंडिकेटर है KTM स्टाइल में, फिर इसी पे एक अच्छी क्वालिटी पे ये अवेलेबल है, ठीक है। और ये है नैनो मास्क है, R15 के लिए है, और विंगलेट है मेरे पास, विंगलेट KTM के लिए RC के लिए, 220 के लिए है, और RS के लिए है, R15 के लिए है, ये NS का मडगार्ड फेंडर है सामने का, ये DRL लाइट है जो ड्रम लाइट लगता है बुलेट में वो है, ये आपका मोबाइल होल्डर है अच्छे क्वालिटी में, ये मोबाइल होल्डर बस है, इसमें चार्जर नहीं है, और ये है AJJ का फॉग लाइट, फिर LED लाइट है मेरे पास, CYT का है, AJJ का है। उसके बाद ये है ग्रिल है, हेडलाइट ग्रिल है, और ये रॉयल फील्ड का हेडलाइट है, ये R15 पर टेल लाइट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेगापन में सिर्फ मेरे पास मिलेगा। मेरे पास ये हेडलाइट पर बुलेट के काफ़ी सारे डिज़ाइन है, कम से कम 7 से 8 अलग डिज़ाइन है, और ये MT15 का बफलो मास्क बोलते हैं इसको, ये भी मेरे पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे कुछ सर्विस पार्ट्स पड़े हुए हैं, ये सब चीज़, अब काम स्टार्ट हो गया है तो फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, इससे थोड़ा सा मेस भी हो गया है। रैपिंग का भी कम ने काम स्टार्ट किया है, रैपिंग डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या है।
यहाँ पे एक सीट है हमारा जहाँ पे हम बैठते हैं और वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है वहाँ पे वो उधर। ओके सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा शॉप और छोटी छोटी चीज़ थी। अभी बहुत सारे सामान थोड़े ऐसे ऐसे रख दिया मैंने क्योंकि हर समय कोई ना कोई आता है, कोई कस्टमर आता है तो उनको दिखाने के लिए फिर निकालना पड़ता है, इससे सामान थोड़ा एस्पेस्ट हो गया। और हमने अभी जस्ट रैपिंग का काम स्टार्ट किया है और रैपिंग कर रहे हैं। अभी पीछे भी वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पर मैं रैप ही कर रहा हूँ। एक भाई का पल्सर 150 है, उसका रैप कर रहे हैं अपन मैट ब्लैक कलर का। और जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है, अभी फ़िलहाल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाइक सर्विस, जो कि छोटी बाइक के लिए है प्लस मॉडिफिकेशन के लिए। आप छोटी बाइक के लिए जो भी सामान डिमांड कर लो, मेरे पास नहीं होगा तो मैं मंगा करा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। कैफेटेशन बनाना होगा वो भी हो जाएगा अपने पास अपनी। और एक शॉप है भैया की शॉप है, वहाँ पर भी हमारा काम होता है, यहाँ पर भी काम होता है। आप किसी भी शॉप चले जाओ, दोनों ही जगह दोनों ही शॉप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत खुश हूँ मैं, सच बताऊँ तो मैं, क्योंकि लाइफ का एक ड्रीम था, 4 साल पहले का ड्रीम था जो मैंने देखा था और फाइनली वो अचीव हो रहा है। और ये शॉप मैंने खुद पे खोला, पहले जब प्लान किया था तो सोचा था कि हम लोग यार 2-3 दोस्त मेरे खोलेंगे, लेकिन कुछ कारण के कारण वो नहीं हो पाया। और लेकिन आज फाइनली मैंने शॉप खोली है और पापा मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ के लिए। और क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बिज़नेस का नाम निशान नहीं है, पर फैमिली में किसी ने बिज़नेस किया है नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सब बैंक में या तो कोई टीचर है। तो मेरे लिए मेरे फैमिली में मतलब मेरे को बिज़नेस करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि घर वालों को समझाना है, क्योंकि पता है आप लोगों को बिज़नेस का कि अगर चल गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर इसलिए। लेकिन अब स्टार्ट किया हूँ और पहले दिन से ही अच्छा रिस्पॉन्स है, टच फुट अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए अच्छा भी है। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, सब मेरे सपोर्ट मतलब बहुत है, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो पहले दिन से हम लोग खाली नहीं गए हैं, काम भी सब अच्छा चल रहा है और मज़ा आ रहा है। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं मेरा शॉप। आप लोगों को अगर कुछ चीज़ देखना है या कुछ चीज़ पूछना है, ज़रूरी नहीं है आप सामान लेने ही आ रहे हैं, आप अगर सामान लेने आप ऐसे भी घूमने आ सकते हैं। और कोई आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई अगर चीज़ चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए होंगी, कोई भी मतलब छोटी बाइक कोई भी होंगी, और जो मेरे को बताइए, या तो मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं या मेरे को इंस्टा पे, द बाइकर जोन के नाम से ही है, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आप मेरे को कहीं भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल 10 से 7 के बीच फ़ोन करेगा, लेकिन ऐसे फ़ोन करेंगे तो फिर मेरे साथ घर पे और फिर हम या कुछ काम करते रहूँ तो नहीं कर पाऊँगा। 10 से 7 तो जब भी टेक्स्ट या कॉल करेंगे मैं रिसीव करूँगा। आपकी कोई भी डिटेल्स और कोई भी क्वेरी होगी मैं पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आइए दुकान पे चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बार मेरे शॉप आइए, एक बार सर्विस का मौका दीजिए और देखिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। सो अब कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2-3 वीडियो डालें क्योंकि अभी फिलहाल टाइम नहीं मिलता। सुबह 10 बजे जाता हूँ तो सीधा 7:30, 7:30, 8 बज जाता है मेरे को। और कोशिश करेंगे टाइम निकालने का, कुछ नई चीज़ें दिखती हैं तो करने का। अब कंटेंट की कमी नहीं होगी, लेकिन ये होता है कि आप कंटेंट भी एक तरीके से दिखाओ तो अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट सरप्राइज़ के साथ। वो सरप्राइज़ चीनू जो ज्वालाकांत सिंह है, आप देखे होंगे उसके थ्रू है। तो बाकी मिलते हैं, मिलेंगे जल्दी, मिलते हैं कल ही, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर, ठीक है, बाय।